राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाली गर्मियों की बेल के बारे में बात करेंगे, जिसे हम पैशन फ्लावर, कृष्ण कमल या राखी बेल भी कहते हैं। ये देखिए, इसकी फ्लावर्स आप देखिए बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअल में इसी तरीके की राखियाँ भी बनाई जाती है, इसलिए इसको राखी बेल भी कहा जाता है। और कमल के फूल की तरह इसे खिला हुआ है तो इसको कृष्ण कमल भी बोलते हैं। इसमें आपको बहुत सारे कलर वेरिएशन मिल जाएंगे, जैसे पर्पल है, रेड है, वाइट, थोड़ा इसमें जैसे बेस का जो कलर है वो वाइट और अंदर से पर्पल, ऐसा कुछ इसकी वेराइटीज़ आपको नर्सरी पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये एक ऐसी बेल है जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है और पूरी गर्मियों में आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देगी। इसके जो फ्लावर है पूरी गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए, जैसे ये मेरी जो बेल है ये मैंने 25 दिन पहले लगाई थी, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, इसमें और ये कलियाँ निकल रही हैं, ये देखिए चारों तरफ से। ये देखिए, मैंने इसको 25 दिन पहले ही रिपोर्ट किया है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा और कितनी अच्छी ग्रोथ निकल के आई है। ये देखिए, आप हर तरह से इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो अगर आप इसे ज़मीन में लगा रहे हैं विदाउट पोट के, तो आप इसको कैसे भी मिट्टी में लगाइए, बहुत आसानी से ग्रो करेगी। लेकिन अगर आप इसे पोट में लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल बनानी होगी, जिसमें एक हिस्सा कंपोस्ट है, एक हिस्सा सैंड है और एक हिस्सा आपका गार्डन सॉइल लेना होगा। पानी की इसको ज़रूरत इतनी ही है कि इसकी जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, ये सूखनी नहीं चाहिए। सूखने की वजह से ये थोड़ा डल हो जाती है, और चूंकि बिल्कुल हार्डी गर्मियों का प्लांट है तो इसके लिए पानी की नीड होती है कि इसको पर डे आपको पानी देना ही होगा। अब अगर इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसे कम से कम दिन की 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए होती है, तब ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करती है। या इसको बस जो दिन की तेज़ धूप होती है सीधी, उसमें मत रखिए आप इसको। जैसे मॉर्निंग की 4-5 घंटे की धूप मिल गई और फिर ऐसी जगह है जहाँ इसको पूरे दिन ब्राइट लाइट मिल रही है, तो ये इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से निकल के आती है। ये देखिए, इसके जो एक्चुअल में ये बेल है एक इस टाइप में, ये देखिए इसके टेंडल्स निकले होते हैं जो किसी भी सहारे को पकड़ लेते हैं और उसको मतलब ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम कई वेजिटेबल्स की जो बेल्स होती हैं उनमें देखते हैं, वो खुद ब खुद पकड़ के ऊपर की तरफ ग्रो करने लगते हैं। जिस किसी चीज़ से इसको मिलेगी जगह, ये अपने आप उसको पकड़ लेगी और ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअल में एसिटिक थोड़ी सॉइल पसंद करता है, तो वो इसकी कंपोस्ट से कमी पूरी हो जाती है। और बाकी मिट्टी में जो इसको अच्छा हम फर्टिलाइज़र डाल के जो बनाते हैं एक हिस्सा, उससे ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है। फैब में आप इसको काफ़ी अच्छे से कंपोस्ट फीड कीजिए और कुछ बोन मील फीड कीजिए, क्योंकि गर्मी इसका फ्लावरिंग टाइम होता है तो उसके लिए ये रेडी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगी। इसके साथ ही बीच बीच में जैसे हम बाकी प्लांट्स के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं और वो देते हैं, वो आप इसको दीजिए, उससे ये भी अच्छे फ्लावर देगी और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से निकल के आएगी। तो दोस्तों, इतनी खूबसूरत बेल है, इतने कलर वेरिएशन है, आप भी लाइए और इसे अपने गार्डन में जगह दीजिए। ये पूरी गर्मी आपको फ्लावर देगी और आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक भी देगी, और इसके फ्लावर्स सच में बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सुंदर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।